हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में। इग्नू री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आप सभी को पता है जनवरी 2022 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन जुड़े सभी सवालों पर कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है री रजिस्ट्रेशन के लिए, कब करना होता है, ये सभी पॉइंट मैं क्लियर आउट करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लेना। री रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि और भी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जनवरी 2022 सेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, री रजिस्ट्रेशन का जब भी नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में सवाल आता होगा कि सर एक्चुअल में री रजिस्ट्रेशन है क्या, यानी कि वॉट इज री रजिस्ट्रेशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो सिंपली इसका मीनिंग है कि आप नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर के लिए इनरोल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर की फीस पे करते हैं, कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं और भी कई सारे आइटम्स जो आप सिलेक्ट करते हैं जैसे बुक्स वगैरह, ओके। उसके बाद में आपका एक सवाल होगा कि सर हमने जनवरी में एडमिशन लिया, हमारे एग्जाम नहीं हुए, क्या हम री रजिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर आउट करें सेकेंड पॉइंट में कि सर आपके एग्जाम हुए हो या ना हुए, आपका ईयर कंप्लीटेड है, आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नहीं करते तो आप ही का लॉस होगा, राइट। तो इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है कि आपका एग्जाम होना कंपलसरी है। अगर आपका ईयर कंप्लीटेड है, सेमेस्टर कंप्लीट है, आप री रजिस्ट्रेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा और कौन से स्टूडेंट को करना कंपलसरी होता है तो यहाँ पे क्लियर आउट करें, अगर आपका इग्नू में वन ईयर कंप्लीट हो गया है एडमिशन के बाद में तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। उसके बाद में अब और भी सवाल होंगे सर कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर। सो फर्स्ट पॉइंट में क्लियर आउट करूँ एक बेसिक सी सवाल में, एक बेसिक सी लाइन में कि एक्चुअल में री रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो डियर, अगर आपने इग्नू के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, ठीक है, आपने जनवरी 2021 सेशन में या फिर किसी और सेशन में एडमिशन लिया है, आपका वन ईयर कंप्लीट है, तो आप री रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ओके। सो बेसिक सी बात। अब बात करेंगे प्रोग्राम्स पे और सेशंस पर। देखिए, अगर आपने जुलाई 2021 सेशन के अंदर फ्रेश एडमिशन लिया और आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है BCMCA, तो आप लोग री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का, ओके। उसके बाद में डियर और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो मास्टर डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो सभी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन के अंदर फ्रेश एडमिशन लिया है वो सभी भी एलिजिबल हैं जनवरी 2022 के सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, जिसमें आप अपने नेक्स्ट ईयर का री रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में डियर बैचलर डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है इग्नू के अंदर, फॉर एग्जाम्पल BDS, BAG, BSCG, BAG एंड BCOMG एक्सेट्रा, ये सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो आप सभी भी एलिजिबल हैं जनवरी 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, तो आप लोग जरूर से कंप्लीट करें। खैर, आगे बढ़ते हैं और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो डियर यहाँ पे क्लियर आउट करें, जिन बच्चों ने जनवरी 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, तो आप लोग सेकेंड ईयर के लिए जब आपने किया होगा तो अब आपकी फाइनल ईयर के लिए आप री रजिस्ट्रेट करेंगे जनवरी 2022 सेशन में, जिसका फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री का 2 ईयर का होता है तो उनको फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर की कंपलसरी नहीं है क्योंकि उनकी थर्ड ईयर होती ही नहीं है, ओके। अब बात करते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट की ओर, हु इज नॉट एलिजिबल। देखिए, हमने बात तो कर ली कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं कौन नहीं, अब मैं बेसिकली बात करूंगा कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ठीक है, बेसिक कंडीशन। देखिए, अगर आपने एक ईयर एंड प्रोग्राम बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में इग्नू के अंदर जुलाई 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है इग्नू जनवरी 2022 सेशन के री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं जुलाई 2021 सेशन में या फिर उससे पहले आपने री रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे या किसी कारणवश आपका रह गया तो आप भी एलिजिबल हैं जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और ये कंपलसरी प्रोसेस होता है, तो डियर जरूर से करें, बिकॉज अगर आप स्केप करते हैं आपका ऑलरेडी 6 मंथ लॉस हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद में फाइनल अपडेट आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। सो यहाँ पे अभी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 12 नवंबर 2021 है, ठीक है, सॉरी जो री रजिस्ट्रेशन के लिए है वो 30 नवंबर है, और वहीं हम बात करें जो फ्रेश एडमिशन चल रहे हैं उसकी 12 नवंबर 2021 है, ओके। और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इजीली क्लिक करके री रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जा सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं जो री रजिस्ट्रेशन जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए री रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपको पता है जनवरी 2022 सेशन के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 2 नवंबर से, यानी कि कल से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कई सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि एक्चुअल में करना कैसे होता है, राइट। और कई बार आपके सवाल ये भी आते हैं कि अपडेट कब होगा, क्योंकि आप लोग कर तो देते हैं लेकिन अपडेट शो नहीं करती। तो ये यहाँ पे क्लियर आउट करें, री रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है जब आप सबमिट करते हैं उसके 30 दिन के बाद में आपका जो स्टेटस है वो अपडेट किया जाता है, लेकिन जो कन्फर्मेशन है वो आपको जल्दी ही मिल जाती है आपके ईमेल पर, और आपके पास में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी ऑलरेडी आपके पास में मैसेज रहता ही है, ठीक है। तो ये वैलिडिटी आपके पास में रहती है। बट अगर आपके इन चांस कोई इश्यू आता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कन्फर्मेशन मैसेज या मेल नहीं आता, तो आपको क्या करना होगा? तो बेसिकली अगर आप 15-20 दिन वेट करें, उसके बाद में आप लोग करना क्या है, रीजनल सेंटर पे विजिट करना है और उसे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं करते और आपके पास में कोई कंफर्मेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके साथ में इश्यू हो सकता है। देखिए इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि डबल पेमेंट कर देते हैं या फिर किसी और के थ्रू कराते हैं तो पेमेंट डबल हो जाती। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपने 2 पेमेंट कर दी, कई बार सर्वर भी इशू करता है जिस वजह से अगर हो जाती है तो आपकी जो सेकंड पेमेंट है उससे रिफंड कर दिया जाएगा सेम बैंक अकाउंट में, ठीक है। उसके अलावा कई सारे और सवाल होंगे, ठीक है। अगर मैं बेसिक मुद्दे पे आऊं तो यहाँ पे स्टेटस की हमने बात कर ली, ठीक है। उसके अलावा हमने बात कर ली कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब बेसिक फैक्टर पे बात करूं कि अगर आप नहीं करते हैं री रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, देखिए टोटली आपका सेमेस्टर लॉस हो जाता है अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए, ठीक है। लास्ट डेट से पहले आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपका सेमेस्टर लॉस हो जाएगा बिकॉज वहां पर डेट क्लोज हो जाएगी, इसीलिए री रजिस्ट्रेशन करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली इंडियन सर्वर की, अगर आप फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करने होते हैं, जिसका ऑलरेडी प्रोसेस आपको जो आपके पोर्टल्स हैं उस पर मिल जाएगा। खैर आगे बात करते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये तो बेसिक पॉइंट थे जो आप सभी को जानने थे। अभी के लिए आपकी जो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021 है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करिए और पोर्टल पे जाइए, अपने री रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो सभी के आपके सामने है स्क्रीन पर, साथ ही डिस्क्रिप्शन लिंक है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ज़्यादा नीट लगती है तो आप कॉल बी फोर ऐप के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी अपने सवालों को पर्सनलाइज वे में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से सभी जानकारी मिल गई होगी, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर करें, साथ ही ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।